Hello everyone, myself Dr. Navneet Franklin James, and today we will be discussing about computation of volume. In our previous lecture, I have already discussed about computation of area. So basically this computation of volume, agar hum dekhe, volume ka jo importance hai, wo aapke gate ke examination mein aapko use hoga. Area bhi aapke gate ke examination mein use hoga, aur volume ka computation bhi aapke गेट के एग्जामिनेशन में यूज़ होगा. तो बेसिकली जब हम वॉल्यूम पढ़ना चालू करते, जैसे हमने एरिया चालू किया था, तो हमने आपको दो फार्मूलेज बताए थे. सेम फार्मूलेज कंप्यूटेशन ऑफ वॉल्यूम में भी आता है ना. कौन सा? एक आया था ट्रेपेजॉइडल रूल एरिया में, और सिम्पसन्स रूल. इसमें जब हम बात करते हैं वॉल्यूम में, तो सेम ट्रेपेजॉइडल फार्मूला बोलेंगे उसको, और सिम्पसन्स फार्मूला बोलेंगे. तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि ट्रेपेजॉइडल फार्मूला क्या होता है. जो हमने एरिया में देखा था, आपको याद होना चाहिए, एरिया में d बाय टू है ना, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस टू इंटू रेस्ट ऑफ द ऑर्डिनेट. तो इधर पे भी सेम होएगा. इधर पे बस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू d बाय टू. d क्या है? कॉमन इंटरवल a1 है ना, a1 प्लस a n. वहाँ पे ऑर्डिनेट की बात कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि एरिया निकालना था. अब वॉल्यूम निकालना है तो एरिया की बात करेंगे. तो a1 मतलब फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस टू इंटू रेस्ट ऑफ द एरियाज, ठीक है. अब रेस्ट ऑफ द एरियाज मतलब, अब इसको अगर हम ये रेस्ट ऑफ द एरियाज ना लिखें, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर, ऐसे करते करते ए एन माइनस वन. ए एन माइनस वन मतलब जो लास्ट ऑर्डिनेट है उसके जस्ट पहले वाला. तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ट्रेपेजॉइडल रूल का. नेक्स्ट फॉर्मूला जो बनेगा वो सिम्पसन रूल का बनेगा. सिम्पसन रूल का हमने देखा था d बाय थ्री, सेम d इज कॉमन ऑर्डिनेट, सॉरी कॉमन इंटरवल d बाय थ्री, और ये हो जाएगा a1 वन प्लस ए एन प्लस फोर इंटू एरिया ऑफ इवन, या इवन एरियाज का हम बोल सकते हैं, जितने भी एरियाज हैं इवन में. तो वो कौन से होंगे? वो होंगे ए टू ए फोर ए सिक्स है ना, जितने भी इवन एरियाज होंगे वो, प्लस टू इंटू ऑड ए थ्री ए फाइव ए सेवन है ना. सेम प्रोसीजर इसमें भी रहेगा कि हम फर्स्ट ऑर्डिनेट और लास्ट ऑर्डिनेट, अगर वो फर्स्ट ऑर्डिनेट ऑलवेज ऑड रहेगा वो हम नहीं लेंगे, लास्ट ऑर्डिनेट ऑड रहता है या इवन रहता है तो वो हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हम पहले ले चुके हैं तो हम आगे नहीं लेंगे. तो यही चीज़ इसमें भी लागू होती है, वॉल्यूम में भी, एरिया में भी यही चीज़ थी. अब हम चलते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल के ऊपर. तो न्यूमेरिकल पढ़ते हैं. एन एम्बैंकमेंट ऑफ 10 मीटर विथ साइड स्लोप 1.5:1 इज रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन द ग्राउंड विच इज़ लेवल इन डायरेक्शन ट्रेवर्स टू अ सेंट्रल लाइन. द सेंट्रल हाइट एट 40 मीटर इंटरवल आर एस फॉलोज. तो कुछ वैल्यूज दी हैं, 0.90, 1.25, 2.15, 1.85, 1.35 एंड 0.85, ठीक, ये वैल्यूज दी हैं. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क अकॉर्डिंग टू ट्रेपेजॉइडल फार्मूला एंड प्रिज्मोइडल फार्मूला. तो ये हमको दो फार्मूले से निकालने, किससे? ट्रेपेजॉइडल से और प्रिज्मोइडल से. फार्मूला हमको पता है, अब उसमें वैल्यूज पुट करना है. अब देखिए पूरे क्वेश्चन में इसमें अभी एरिया कहीं नहीं दिया है, तो इसको हमें पहले एरिया निकालना है, फिर एरिया निकालने के बाद हमको उसका वॉल्यूम निकालना है. तो एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया निकालने के लिए हम पहले एक फॉर्मूला लगाएंगे, ए इज इक्वल टू बी प्लस एस, बी प्लस एस एच इंटू एच, ये वाले फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम, तो हमको एरिया निकल जाएगा. तो अब क्वेश्चन में आप देखिए कि इसमें दिया है कि एम्बैंकमेंट ऑफ 10 मीटर विथ. तो ये जो बी है विथ, ये हमारी दी है 10 मीटर. फिर आगे आप क्वेश्चन में देखेंगे कि एंड साइड स्लोप इज 1.5, मतलब जो एस दिया है वो 1.5
5 दिया है। फिर अब आप बोलेंगे h, तो आगे आप देखेंगे इज रिक्वायर्ड टू बी मेड और उसके बाद हमको वैल्यूज दी है, तो ये जो वैल्यू दी है ये h की वैल्यू है 0.90, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय 0.90, तो हम a1 आ जाएगा इससे, ये फर्स्ट एरिया, इसकी वैल्यू से हमको a1 मिल जाएगा। तो a1 की वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं आप, सॉल्व करके लिखिएगा, a1 इज इक्वल टू 10.22 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली a2 सेम 10 प्लस 1.5, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1.25 हो जाएगा, 1.25 और होल मल्टीप्लाई बाय 1.25, इसकी वैल्यू आ जाएगी 14.84 मीटर स्क्वायर। यूनिट का याद रखिएगा, आपको हर जगह मीटर स्क्वायर क्यूब लगाना पड़ेगा। फिर सेम a3 a4 a5 1 2 3 4 5 6, तो a6 6 एरिया निकाल लेंगे। सेम फॉर्मूला लगेगा, 10 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2.15 होल मल्टीप्लाई बाय 2.15, इसमें 10 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.85 होल मल्टीप्लाई बाय 1.85, 10 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.35 होल मल्टीप्लाई बाय 1.35, 10 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.85 होल मल्टीप्लाई बाय 0.85, ठीक है। ये a1 a2 a3 जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो दो आंसर आ गए कि 10.22 14.84, नेक्स्ट आएगा 28.43 34.38 23.63 16.23 छः वैल्यूज आ गई आपकी, ठीक है, 0.1.25, 2.18, 1, इसमें एक वैल्यू छूट गई है, एक वैल्यू ये है 2.50, 7 वैल्यू। तो एरिया a7 इज इक्वल टू 10 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2.50 होल मल्टीप्लाई बाय 2.50, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 34.38, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। ये वैल्यूज आ गई a1 a2 a3 a4 a5 a6 और a7 की वैल्यूज आ गई 10.22 मीटर स्क्वायर, 14.84, 28.43, 23.63, 16.23, 9.58 एंड 34.38 मीटर स्क्वायर। यह है हमारा एरिया, हमको निकालना है अब वॉल्यूम, जो हमारा मेन था, हमको क्या निकालना है, कंप्यूट द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क, कंप्यूट द वॉल्यूम, अभी तो सिर्फ एरिया आया है, अब हम अपने मेन पार्ट पे आते हैं, वॉल्यूम किसके अकॉर्डिंग निकालना है हमको, ट्रेपेजॉइडल फार्मूला से और प्रिज्मॉइडल फार्मूला से। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें ट्रेपेजॉइडल फार्मूला, फार्मूला हमको याद होना चाहिए, फार्मूला हमको याद है ना, होप सबको फार्मूला याद है, तो वॉल्यूम का हम फार्मूला लगा देंगे डायरेक्ट d/2, ओके, a1 प्लस an
प्लस टू इंटू ऑल द वैल्यूज, मतलब ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर। अब हम इसमें एन की जगह डायरेक्ट डाल सकते हैं, कैसे, हमको पता है ए वन से ए सेवन तक की वैल्यूज हैं, ठीक है, तो हम ए वन से ए सेवन डाल देंगे और ए फाइव प्लस ए सिक्स, ये वैल्यूज हमको डायरेक्ट यहाँ से डाल देना है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डिनेट। हाँ, एक चीज़ और, आप अब इसमें डी क्या लिखेंगे, है ना, तो पहले देखते हैं क्वेश्चन में, आप नीचे जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो द सेंट्रल हाइट एट 40 मीटर इंटरवल, तो ये जो 40 मीटर इंटरवल की बात हो रही थी ये ही हमारा डी है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 40 बाय 2। ए वन की वैल्यू कितनी थी जो हमने निकाली थी, 10.22 मीटर स्क्वायर, है ना, ये थी, तो अगर हम अभी इसमें मीटर स्क्वायर नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, 10.22 प्लस लास्ट 9.58, ओके, प्लस 2 इंटू रेस्ट, मतलब 14.84 प्लस 28.43 प्लस 34.38 प्लस 23.63 प्लस 16.23, तो ये सारी वैल्यूज़ को ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे, ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, 20 प्लस यहाँ पे आ जाएगा इनटू 19.80 प्लस 235.02, ये आ जाएगा जब हम इसको पूरे को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी, इसको डिवाइड कर देंगे तो 20 बचा, इसको डायरेक्ट सॉल्व आप अपने गैलेक्सी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5096.4 मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब ये आपको लगाना ज़रूरी है, नहीं तो आप कोई से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर ये यूनिट भूल जाएंगे तो आपके नंबर कट हो जाएंगे उसमें। ठीक है, तो ये यूनिट आपको लगाना ज़रूरी है, तो ये आपका आ गया प्रिज्मोइडल, सॉरी ट्रेपेजॉइडल रूल से या फॉर्मूला से, सेम आपको लगाना है प्रिज्मोइडल में, डी बाय थ्री ए वन प्लस ए सेवन प्लस 4 इंटू ए टू प्लस ए फोर प्लस ए सिक्स। ठीक है, 7 तक है तो इवन नंबर कौन, क्या क्या हो गया, 2, 4 और 6, 2, 4 एंड 6, 7 के बाद वाला इवन नंबर ले ही नहीं सकते तो 8 हम नहीं ऐड करेंगे, प्लस 2 इंटू ऑड तो 3 प्लस 5, 2 इंटू ऑड मतलब अब 1 से 7 ये दोनों ऑड नंबर है तो ये दोनों नहीं ले सकते हैं, इनके बीच में अब कौन से बचे, 3 एंड 5, तो 3 एंड 5 हमने ले लिया, तो A1, A2, A3 है ना, ये ले लेंगे आपके सहूलियत के लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7 वैल्यूज़ लिख दे रहे हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो देखने में, 10.22, 14.84, 28.43, 34.38, 23.63, 16.23, 9.58, ये A1, A2, A3, A4, A5, A7 तक की वैल्यू है। अब हम इसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे 40/3, A1 10.22 प्लस 9.58 प्लस 4 इंटू, हमको लेना E1, 2, 4 एंड 6, ये तीन लेना है हमको, 14.84 प्लस 34.38 प्लस 16.23। ठीक है, क्लियर है ये यहाँ तक, प्लस 2 इंटू ऑड, ऑड कौन सा है हमारा, 3 एंड 5, तो हम उसको ले लेंगे, 28.43 प्लस 23.63,
ये हमने सिर्फ वैल्यूज पुट कर दी, a1 a2 a3 ये पूरा हम निकाल चुके थे, उसकी वैल्यूज पुट करी। जब हम वैल्यूज पुट करने के बाद उसका आंसर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 40/3, ये हो जाएगा 19.80, इस दोनों ऐड करेंगे, प्लस 261.80 प्लस 104.12, 4 मल्टीप्लाई करेंगे इसको ऐड करने के बाद, इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसको ऐड करने के बाद, तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी और आपका वॉल्यूम आ जाएगा। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा 5142.9 मीटर क्यूब। तो ये दो हमारे आंसर आ गए। वॉल्यूम बाय ट्रेपेजॉइडल, वॉल्यूम बाय प्रिज्मोइडल, ठीक है, ये दोनों हमारे आंसर्स आ गए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए, दोनों क्वेश्चंस में वेरिएशन है कि ये तो 5096 आ रहा है और ये 5100 एंड समथिंग आ रहा है, तो ये दोनों क्वेश्चन में इसलिए वेरिएशन है क्योंकि फॉर्मूलेज दोनों के डिफरेंट है। ये 40/2 है, ये 40/3 है, फिर यहाँ पे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई हुआ है और यहाँ पे 4 और 2 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ है, तो आंसर दोनों में अलग आएंगे। तो इसमें आप डाउट क्लियर क्रिएट मत करिएगा कि दोनों के सर आंसर अलग अलग क्यों आ रहे हैं, आंसर अलग अलग ही आएंगे क्योंकि फॉर्मूलाज दोनों के डिफरेंट हैं। ओके, तो ये होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाले न्यूमेरिकल की तरफ। ये तो सिंपल था कि आपको डायरेक्ट एरिया में निकालना था, एरिया के बाद आप उसका वॉल्यूम निकालना है। नेक्स्ट आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट की ओर पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राउंड लेवल अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ अ रोड इज गिवेन बिलो। मतलब अब यहां पे क्या दिया है, चेंज इन मीटर, देन ग्राउंड लेवल इन मीटर, ठीक है, 0, 50, 100, 150, 200, 250 एंड 300, और ग्राउंड लेवल का जो डिस्टेंस दिया है वो 117.50, 116.25, 115.95, 116.65, 117.20, 117.85, 115.75. It is proposed that the formation level of RL 115 meter should be kept constant from the starting of the chainage 0. The formation width of a road is 8 meter and the side slope is 1:1. The ground level traverses to a center line. ये हमारा question है। तो ये हमारा question है। अब इसमें हमको क्या करना है? Same, पहले हमको area निकालना है, फिर उसके बाद हमको volume निकालना है। लेकिन अब क्या है, हम यहाँ से direct area नहीं निकाल सकते, ठीक है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमने डायरेक्ट एरिया निकाल लिया था, एरिया में फॉर्मूला पुट करके हमने डायरेक्ट कर दिया था, बट यहाँ पे हम डायरेक्ट एरिया नहीं निकाल सकते। हमको एरिया निकालने से पहले हमको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन में देखिए दिया है द ग्राउंड लेवल अलॉन्ग द सेंटर लाइन ऑफ अ रोड, तो ये वैल्यूज़ दी हैं, लेकिन उसके बाद एक लाइन में उन्होंने दिया है इट इज़ प्रपोज दैट द फॉर्मेशन लेवल ऑफ आर एल इज 115 मीटर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आर एल भी दिया है, तो आर एल के साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पहले टेबल बना लेंगे। एक तो हो जाएगा चेनेज, फिर ग्राउंड लेवल, ये दो तो हमको दिया है, तो इसकी टेबल
में ये दो तो हम पहले लिख देंगे, तो 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 117.50, 116.25, 115.95, 116.65, 117.20, 117.85, 115.75। ये दो चीज़ हमको दी थी, लेकिन उसने आगे क्या बोला कि फॉर्मेशन लेवल ऑफ आरएल 115। तो हमको एक टेबल यहाँ पे और बनानी पड़ेगी फॉर्मेशन लेवल की, कितना है 115.00। तो ये जो फॉर्मेशन लेवल है उनने बोला है कि ये हर पॉइंट पे फॉर्मेशन लेवल सेम है, तो हम सबके सामने लिख देंगे 115.00। ठीक है, तो ये सबके सामने हमने लिख दिया। अब इससे हमको क्या निकालना है, इससे हमको निकालना है इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है। वो जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा ऑर्डिनेट्स बनेंगे, है ना। जो हमने पिछले क्वेश्चंस में आपने देखा तो डायरेक्ट वैल्यूज लिखी थी 0 point something, 1 point, वो वाली क्वेश्चंस हमको यहाँ पे वो वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो उस क्वेश्चन के बेसिस पे हम अपना एरिया निकाल लेंगे। तो वो क्या मिलेगा हमको, वो मिलेगा हमको कटिंग या फिलिंग, है ना, कटिंग मिलेगी या फिर हमको फिलिंग मिलेगी। तो बेसिकली अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो हर क्वेश्चन में इस क्वेश्चन की जो वैल्यूज़ हैं, हर वैल्यूज़ जो है वो 115 से ज़्यादा है, तो इसमें हमें सिर्फ कटिंग मिलेगी, फिलिंग नहीं मिलेगी। फिलिंग कब मिलेगी हमको, जब ये वैल्यू हो सकता है 114 होती, अगर 115 से छोटी है तो हमको फिलिंग होगी। कटिंग और फिलिंग में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। कटिंग का मतलब ये होता है कि ग्राउंड लेवल जो है 115 मीटर, मतलब एक स्लोप हमें चाहिए 115 मीटर का, तो उस स्लोप से उठा हुआ है तो कटिंग हो कटिंग करना पड़ेगी ताकि हम 115 पे जाएं। और अगर उस एरिया, उस जो आरएल है उससे नीचे है, 115 से नीचे है, 114 है, तो हमको वहाँ पे फिल करना पड़ेगा 115 के लिए। तो मतलब हमको एक स्ट्रेट लाइन में अगर हमको जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो कटिंग करनी पड़ेगी या फिर हमें फिलिंग करना पड़ेगा। तो इस वाले में हमको सिर्फ कटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि सारी वैल्यूज़ 115 से ज़्यादा है। तो डायरेक्ट हम माइनस कर देंगे, 117 - 115, हर वैल्यूज़ 115 से माइनस कर देंगे, तो वो आ जाएगी हमारी कटिंग की वैल्यू 2.50, 1.25, 0.95, 1.65, 2.20, 2.85 and 0.75। तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। इसी को अगर आपको, अगर वो फॉर्मूला पिछला वाला याद हो जो हमने लगाया था, A इज इक्वल टू एरिया निकाला था, जो एरिया A इज इक्वल टू बी प्लस एस एच इंटू एच, है ना, ये वाला फार्मूला निकाला था पिछले वाले में, इसी फार्मूले में। तो अब ये जो फार्मूले की बात कर रहे हैं H, तो ये हमारी जो वैल्यूज़ कटिंग की वैल्यूज़ आई हैं ये H आ गई। अगर इसमें फिलिंग होता तो वो भी H होता, ठीक है, तो ये H आ गया। अब हम डायरेक्ट इसमें फार्मूले में पुट कर देंगे, तो A1 कितना हो गया, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें भी 7 एरिया आ जाएंगे। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7 इज इक्वल टू, है ना, वैल्यूज़ पुट करना है हमको सिर्फ इसमें। तो वैल्यूज़ पुट करने के लिए B प्लस एस एच इंटू एच, तो हमें B भी पता होना चाहिए, S भी पता होना चाहिए, H हमको पता चल गया। तो आप क्वेश्चन में आ जाइए B और S पता करने के लिए। तो B पता करने के लिए क्या देखेंगे हम क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे, द फॉर्मेशन विथ ऑफ अ रोड इज 8 meter, ठीक है, फॉर्मेशन विथ ऑफ अ रोड इज 8 meter, मतलब हमको B मिल गया, वो क्या हो गया 8 meter, ठीक। अब आता है नेक्स्ट S, है ना, तो S आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, एंड द साइड स्लोप इज 1:1, मतलब S हमको मिल गया कितना 1,
वन रेशो वन है मतलब वन, पिछले वाले में वन वन एंड हाफ था मतलब 1.5 था, इस वाले में वन है, किसी में शायद टू मिल जाए आपको, किसी में थ्री मिल जाए, तो अलग अलग में अलग अलग वैल्यूज़ मिलेगी। तो ये हो गया एस। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, 8+1 मल्टीप्लाई बाय 2.50 होल मल्टीप्लाई बाय 2.50, ठीक है, ये 2.50 रख दिया। अब हर एक उसमें ये तीन वैल्यूज, ये दो वैल्यू सेम रहेगी, ये लास्ट की दो वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी। तो आप फॉर्मूले में पुट करते जाइएगा, उसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, A1 का आंसर आ जाएगा 26.25, A2 11.56, A3 8.50, A4 15.92, A5 22.44, A6 30.92, A7 6.56, ठीक है। होप ये आंसर आप निकाल लेंगे, अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं। A एरिया का जो फॉर्मूला लगाना है, A इज इक्वल टू B प्लस SH इंटू H, ओके, बी एस एच इंटू एच। बी 8 मीटर क्वेश्चन में दिया है, एस 1 क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, ये लिखा है क्वेश्चन में, द फॉर्मेशन लेवल विथ ऑफ अ रोड इज 8 मीटर एंड द साइड स्लोप इज 1:1। तो ये 8 मीटर वो हो गया और 1:1 में 1 ये हो गया। अब बचा क्या इसमें, एच है ना। तो H अभी हमने कटिंग की वैल्यूज जो भी निकाली थी, जो कटिंग की वैल्यूज थी, अगर फिलिंग होती तो वो वैल्यू, तो वो वैल्यू हो गई H। तो फर्स्ट के सामने पहली वाली भी थी 2.50, तो बस H पे हमने 2.50 पुट कर दिया। ऐसे ही सेकंड वाले में 8+1 इंटू, जैसे सेकंड वैल्यू आई थी 1.25, तो 1.25 इंटू 1.25, बस ऐसी A3 A4 A5 A6 A7 में आपको पुट कर देना है, तो आपकी ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब ये वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हमको निकालना क्या है, वॉल्यूम है ना, हमको वॉल्यूम निकालना है। कैसे, या तो हम इसमें अब की कुछ नहीं दिया है, द ग्राउंड इज लेवल्ड, ओके, द ग्राउंड इज लेवल्ड ट्रेवल्स टू द सेंटर लाइन। अब इसमें ये नहीं दिया है कि प्रिज्मॉइडल से निकालना है कि सिम्पसन्स ट्रिपेजॉइडल से निकालना है, तो हम कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप दोनों लगा के देख लें, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला मेंशन नहीं है, चाहे प्रिज्मॉइडल लगा लें चाहे ट्रिपेजॉइडल लगा लें, तो हम दोनों फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो पहले ट्रिपेजॉइडल वाला लगा लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद वॉल्यूम D/2 A1 प्लस A7 2 A3 A4 A5 एंड A6, ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करना है। और नेक्स्ट लगा लेते हैं प्रिज्मॉइडल का, प्रिज्मॉइडल में आ जाएगा आपका V इज इक्वल टू D/3 A1 प्लस A7 4 × 2 = 4 = 6 प्लस 2 × 3 = 5। बस अब हमको वैल्यूज पुट करना है और सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, डी कितना है, डी आपको क्वेश्चन में ही दिया है, देखिए इंटरवल 0, 50, 100, 150, 200 है ना, ये
डिस्टेंस है, मतलब 50-50 मीटर के इंटरवल पे आपकी चेनेज दी है। तो सीधा आप डाल दीजिए इसमें 50/3, इसमें डाल दीजिए 50/2, ठीक है। तो एक प्रिज्मोइडल सॉल्व कर दे रहे हैं, ट्रेपेजॉइडल आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ट्रेपेजॉइडल को सॉल्व करके आप आंसर डालेंगे, प्रिज्मोइडल हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। तो A1 कितना है, 26.25 प्लस 6.56 प्लस 4 × 11.56 प्लस, ये लेना है हमको E1, ये है E1 प्लस 15 × 92 प्लस 30.92 प्लस 2 × प्लस, यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस 2 × 8.50 प्लस 22.44, है ना। इसको सॉल्व करेंगे हम तो 50.3 इसको जब हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5471.5 मीटर क्यूब, ठीक है। और आपको बता दें, ट्रेपेजॉइडल से जब आप सॉल्व करेंगे तो इससे कम आएगा, ठीक है। इससे कम आएगा, वो कितना आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और टाइप करके बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। होप आपको दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और कुछ न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे, वो भी आप कमेंट बॉक्स में उसके आंसर टाइप करिए। अगर इसमें अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, इसका एक और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे अगर आपको कुछ डाउट है, ठीक है। और फिर अपन देखते हैं, आप अपने गेट की तैयारी करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।